अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने वाले हैं हरे मसाले का कीमा। तो यहाँ पे हम अपने इंग्रेडिएंट्स ले चुके हैं, अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या कितना कितना डलेगा। तो आप इसके लिए हमारे साथ रहें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी जो है इतनी लजीज सी रेसिपी है ट्राई कर सकें, खा सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है कीमा 1.5 पाव, और यहाँ पर हमने ये हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। हरा धनिया हमने आधा बंच ले लिया है और 8 हमने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है। इसका पेस्ट हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा बना है। ये देखें, ना ज़्यादा पतला है ना मोटा है। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच जो है अदरक लहसुन के ले लिए हैं, 3 चम्मच हम यहाँ पे दही ले चुके हैं, 2 यहाँ पे हमने बड़े वाले प्याज ले लिए, और प्याज को जो है वो हमने मोटा चॉप किया है, ये आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक अलग सी प्लेट में ये रख दिया है, एक छोटा प्याज लिया था, और यहाँ पर हमने चौथाई हिस्से का जो है ये हरा धनिया का बंच लिया है, और 2 यहाँ पे हमने हरी मिर्ची ले ली है। अब हम आपको ये वाला मसाला दिखा देते हैं अपना। तो ये हमने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून हमने ये चाट मसाला ले लिया है, और 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ले ली है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे जीरा ले लिया है, और 1/2 चम्मच जो यहाँ पे हमने गर्म मसाला ले लिया है, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे केरी का पाउडर ले लिया है, और 5 यहाँ पे हमने लाल सूखी हुई मिर्च ले लिया है। नमक भी हम ले लेंगे हसबे जायका, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं और इन सबसे हम मज़े से कीमा बनाते हैं, मज़ेदार सा कीमा। तो आप हमारे साथ रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें। और यहाँ पे हम 150 ग्राम ऑयल ऐड कर चुके हैं, तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे, 2 बड़े वाले जो हमने मोटे मोटे चॉप कर लिए थे। यहाँ पे हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड कर लेंगे जितने भी हमारे स्पाइसेस हमने आपको स्टार्ट में दिखाए थे, और इसको भी हम भून लेंगे सही से। फिर उसके बाद हम इसमें कीमा ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम कीमा ऐड कर चुके हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसे 20 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे कीमा जो है वो नरम नरम सा खाने के काबिल हो जाए। हसबे जायका हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे। अब हम ढककर इसको और 20 मिनट के लिए गल जाने तक पकाएंगे। यहाँ पे हम कीमे को 20 से 25 मिनट दे चुके हैं। अब हमने इसमें पेस्ट ऐड कर लिया है जो हमने आपको स्टार्ट में दिखाया था, हरा धनिया और हरी मिर्ची का। अब 5 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर बाकी जो डालेंगे वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये तैयार हो चुका है, बस अब हम इसमें प्याज हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे हम। ये हमने हरी मिर्ची प्याज और हरा धनिया वही ऐड किया जो हमने आपको अलग से प्लेट में बताया था, और इसकी क्वांटिटी भी हम आपको बता चुके हैं। अब हम 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे हमारा हरे मसाले का कीमा बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं आप ये कितना मज़े का लजीज लग रहा है बिल्कुल। अब हम आपको टेस्ट करके बताएँगे कि ये कैसा बना है।
और गाइस हमारा हरे मसाले का कीमा बहुत ही मज़े का बना है, आप भी बनाएं और हमें बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।